ऑस्ट्रेलिया हैव मेनी लेफ्टिस्ट इन देयर लाइन ऑफ विच रवि अश्विन वुड लाइक आई बिलीव इट वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम इंडिया। अब वो चीजें देखो हैंडसेट में हर कोई कह सकता है भाई, जिन लोगों ने पहले ही कहा होगा कि ये दिक्कत है वो उनकी मान लेते हैं, लेकिन वही चीज है जो आज अश्विन की जितना मैंने जड्डू को बॉल करते हुए देखा उसमें साफ तौर पर आपको लग रहा है कि जब ये विकेट तीसरे दिन जाएगा, ये विकेट जब चौथे दिन जाएगा, चलो कुछ भी होता है। मैं कह रहा हूं और वहां पर भी रोहित शर्मा ने कहा है, ये तो बोला था कि भाई आपके पास चार पांच लेफ्टी और एक लेफ्टी को ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट खेलने में हमेशा दिक्कत होती है। रोहित शर्मा ने कहा था कि ये विकेट बदलने वाला नहीं है, ये विकेट आपको जबरदस्त तरीके से बदलता हुआ दिखेगा, आप लिख के ले लो मुझसे आज। पर भैया जब तीसरे दिन आप देखना गेम से बाहर कर देते हैं, आपके पास क्या रहता करने, क्या जब आपको वो एक डेढ़ अगर भाई कल हमने दो तीन दिन अलग बात है जो दो तीन दिन से हम बात कर रहे हैं, तीसरा सीमर आप चार सीमर खिला रखे हैं भाई, दो सीमर थे बस आपके पास, तीसरा चौथा तो लगा ही नहीं। 17-18 ओवर करते करते वो कह रहे हैं हाथ जुड़वा दो भैया, घुटने दर्द कर जाएंगे। ये 500 बनाते हैं आप 400 बनाओ, ये 500 बनाते हैं आप 400 बनाओ। मैं एनी डे अश्विन को बैक करता हूं कि वो किसी भी कंडीशन में अच्छा कर लेगा, लेकिन आप पांच ओवर के बाद, ये ओवर निकालते हुए पांच ओवर के बाद आप देखिए नहीं, छह ओवर के बाद उसके बाद शार्दुल ने नो बॉल डालना शुरू कर दिया, उन्होंने पता नहीं उसके बाद 6-7 नो बॉल फेंक डाली यार उन्होंने, छह ओवर के बाद ऐसे विकेट पे नी से ओवर बॉल नहीं उठ रहा है, वो मजाक कितना मार रहे हैं उनको यार। आप वो देखो ना यार, आप तो फास्ट बॉलर भी नहीं हो, आप तो मीडियम पेसर हो यार। मिस्टर शेखर कह रहे हैं कि जुकी सर जिद की लिमिट होती है अपने टीम मैनेजमेंट के फिटनेस क्राइटेरिया का, इतना भी मत बैक करो यार, उमेश वाज फोर्स्ड इनटू 11 डिस्पाइट बीइंग रस्टी, उस पे भाई बात करी हमने, उमेश वाज सीधी सी बात है जो वहां से आया हमने आपको बताया, अब जब तक हमारे पास एक फिटनेस अपडेट नहीं आ जाती है मैं यहां से अपनी जुबान से ये नहीं बोलूंगा, जिन चीजों पर प्रॉब्लम लगी वो चीजें बोल दी। उमेश यादव की फिटनेस से ज्यादा मुझे ये लगा कि भाई वो पूरे दिन अपनी रिदम ही नहीं पकड़ पाया। अब आप अगर उसमें ये कह रहे हो कि फिटनेस बिकॉज ऑफ फिटनेस तो ऐसा आप कहिए, मैं अभी ऐसा नहीं कहूंगा अंटिल एनालिस्ट, क्योंकि देखो फिटनेस को लेकर के चीजें आपको समझ में आ जाती है भाई। ऑब्वियसली आज उनका पेस कम लग रहा था, लेकिन मुझे सारे के पूरे दिन में यही लगा कि भाई वो बंदा, कई बार ये होता है कि आप फिट ना भी हो आप पूरी पेस से डाल रहे हो। जोफ्रा आर्चर याद है आपको मुंबई इंडियंस के लिए सीजन में, पेस उसका बढ़िया ही आ रहा था बट ही वॉज अनफिट, वो अनफिट था। यहां पर मुझे लगा इट वॉज मोर ऑफ अ रिदम काइंड ऑफ थिंग, और उमेश यादव हमेशा से फ्रॉम डे वन डेब्यूइंग इट फॉर द इंडियन टीम वो एक रिदम वाला गेंदबाज रहा है, अगर उसकी रिदम लगती है वो बढ़िया करता है, नहीं लगती है तो आप उसको पूरे दिन ऑर्डिनरी देखते हो। एक चीज तो आप एक्सेप्ट करोगे ना, देखो रोहित शर्मा की कैप्टनशिप उस तरीके से टेस्ट कहां हुई थी, आप श्रीलंका में दो टेस्ट मैच जीते, वो तो यार देखो इट्स अ विराट कोहली लेगेसी यार, जो आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी देखा शुभेंदु भाई, उसमें कप्तान क्या जब जड्डू की बॉल है वो डंडे उड़ा रहा है, पांच पांच बल्लेबाजों को समझ नहीं, देखो आप इंडिविजुअल नहीं देखो इंडिविजुअल लेवल का टेस्ट ही आज था जो अभी तक उन्होंने कप्तानी करी भाई, बिल्कुल पहला तो उनका ओवरसीज तो उनका पहला है ना टेस्ट, पहला है इंग्लैंड था वहां कोविड हो गया था, और आज आपने देखा वन ऑफ इंग्लैंड टेस्ट में कोविड हो गया था उन्हें, वरना वहां पर भी उनके पास होती चीजें। लेकिन ये वही चीजें हैं भाई जो मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि रोहित शर्मा ऑब्वियसली उनके भी प्लान्स, लेकिन आप ये बॉलर्स को भी देखो यार, अपने आपके बॉलर्स थके हुए से लगे, बहुत ज्यादा थके हुए लगे, फटीग फैक्टर इतना हाई था तो इसमें, भाई आप ऑर्डिनरी इसमें गलती किसकी भाई, देखो एक जैसे आपने सुबह कंडीशन सबकी गलती है भाई, कोई ये नहीं कहता सबकी गलती है, आप ये कहते थे कि वर्कलोड मैनेज किया जाएगा, क्या वर्कलोड मैनेज किया गया वहां पर, क्या करा राहुल द्रविड़ ने, आपके शमी ने तो पूरा आईपीएल खेला, सिराज ने भी पूरा खेला, शार्दुल ठाकुर इंजर्ड थे इस वजह से बीच में, वो तो इंजर्ड थे अभी भी, मतलब कि उमेश यादव इंजर्ड थे इस वजह से मिस कर गए, जडे उनाडकट जब तक गिरे नहीं कंधे के बल तब तक बाहर नहीं हुए, तो ये सारे के सारे खिलाड़ी तो आपका आपके बल्लेबाजों ने कौन सा रोहित शर्मा के पेट में दिक्कत थी बैटिंग करने आ गए थे, रोहित शर्मा फेक न्यूज थी, वो तो फेक न्यूज थी कि रोहित शर्मा रेड बॉल के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, रोहित शर्मा की वहां पर पेट में दिक्कत थी, फिर बैटिंग करने आई गए, और ज्यादा खराब चीज है आपके पास प्रिपरेशन का टाइम कितना था। अरे यार ये सब अलग बातें हैं कि भाई इनको ना ड्यूक्स की बॉल दे दी जाएगी और ये 200 गेंदे डालेंगे नेट्स में, ये सब अलग बातें हैं भाई, ये सब बातें मत करो और ये सब बातें कहकर बेवकूफ मत बनाया करो। गेम सिमुलेशन को आप प्रैक्टिस से कैसे यार भैया पता इस गेम में कुछ नहीं था, आपके बॉलर्स की फिटनेस नजर नहीं आई, यहाँ पर आपसे बॉलिंग नहीं हो रही थी भाई, आपने 20-25 ओवर तो अच्छे करे जो हमें लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब आपका जब आपका एक T20 मैच खत्म हो गया 20 ओवर आपने फेंक दिए उसके बाद फिर आप खेल नहीं पाए। तो चाहता हूँ कोई तो चाहता हूँ स्टीव स्मिथ वहां से कहें कि भाई इंडियन बॉलर्स वर नॉट लुकिंग दैट फियर्स, वो उतनी फायरी उनकी लगी नहीं गेंदबाजी, इट वाज इजी टू प्ले देम, कैसे मान लूं मेरे को इन्हीं बॉलर्स ने ओवरसीज सीरीज जिताई है बड़ी बड़ी, पूरे पूरे दौरे में कोई आपको एनर्जी की कमी नहीं लगी, कभी नहीं, पांच पांच मैच चार चार मैच ने क्रॉस फॉर्मेट खेला है, चार चार मैचेस में इनके 20-20 से विकेट हैं, मोहम्मद शमी और ये एग्जॉस्ट नहीं होते इतनी इजीली,
और उस समय तो शमी ओडीआई भी खेलते थे, ये मैं 2018 की बात 2019 की बात आपको बता रहा हूँ। 2019 में उनके दुनिया में बेस्ट नंबर्स है 50 ओवर्स क्रिकेट में, और 2019 में टेस्ट क्रिकेट भी खेली है, T20 की भी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, और टेस्ट क्रिकेट तो खेलते ही खेलते थे, आईपीएल भी खेलते थे। अभी आपने देखा सिराज जब वहां पर बांग्लादेश में जाकर मुकाबले खेल रहे थे, जहां पर वहां पर भी उनकी बॉलिंग खतरनाक हो रही थी, सिराज वहां पर जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। वो ये कि सिराज हर जगह जाते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए, चाहे वो जो बॉर्डर गावस्कर ने देखा था, वहां पर जिस तरीके से जब आते थे तभी लगता था इनका जोश अलग ही हाई हो रखा है। लेकिन आज अगर आपने देखा, जो पहला वाला सेशन अगर निकाल दीजिए, उसके बाद हमारे बॉलर उस तरीके से दिखे ही नहीं है। ऐसा लग रहा, चलिए ठीक है, टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, अपने ओवर कंप्लीट करो, कैसे भी करके यहाँ पर निकल जाओ। वो धीरे धीरे करके सभी गेंदबाजों में दिखा है। अब 20-20 ओवर करा लेंगे तो वहां पर दो तीन चीजें बहुत साफ साफ थी आज। एक, आपकी इंटेंसिटी बहुत जल्दी गिर गई भाई, मे बी बिकॉज ऑफ फटीग फैक्टर। दूसरी चीज, आपके कैप्टन ने भी उस तरीके से आपको वो नहीं करा, चेयर अप नहीं करा, बकल अप नहीं करा कि भाई नहीं यार अभी आते हैं, इस तरह से आते हैं, उस तरह से आते हैं, ये वाला प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, जरा डाले तो सही। कोई आपको याद है कि आपने 4 या 5 ओवर ऐसे देखे हो जिसमें आपने देखा हो भाई एक ओवर में 2-2, 3-3 बाउंसर्स टारगेट की जा रही है सामने वाले खिलाड़ी को, कि जरा सा अनसेटल करने की कोशिश की जाए, थोड़ा सा एक शॉट ये स्क्वायर लेग लगाया जाए नहीं, या वहां पे क्या बोलते हैं सिली पॉइंट लगाया जाए, या फिर शॉर्टेस्ट मिड विकेट टाइप का कुछ लगाया जाए ताकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल किया जाए। एक ही ढर्रे पे गेंदबाजी हो रही है, कोई एक आध आकर एक ओवर में 2 बाउंसर 1 बाउंसर मार दे रहा है तो ठीक है, लेकिन आपने कभी वो पैटर्न बनते हुए देखा ही नहीं कि यार एक ना फील्ड के तहत गेंदबाजी कर रही है इंडियन टीम। स्टीव स्मिथ को शुरुआत में एक लेग स्लिप लगाई थी, बस वो दो बॉलों में लगाई फिर हटा दी, क्या था भाई ये? देखा आयरन फिजिक कह रहे हैं न्यूजीलैंड ने जब हराया था जब विकेट का एग्रेशन कहां गया था भाई, उसमें आप देख लेना पहली इनिंग में भी सेट हो गए थे वहां पर बल्लेबाज, उसके बाद वो तो भाई बॉलिंग से नहीं आ रहे थे वहां पर, देखो फेलियर से आ रहे थे, विराट कोहली की फेलियर तो गिना दोगे ऐसे में, लेकिन आपको लॉर्ड्स टेस्ट याद है ना, कामयाबियां भी तो गिनाओ। बात सिर्फ इस चीज की हो रही है कि ऐसी देखो आप करते और नतीजा नहीं आता, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। यहां पे रोहित शर्मा चेयर अप करते अपने बॉयज को, हमें दिखता कि यार वो एनर्जी पंप इन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि चलो लड़ो कूदो, लेकिन वो भी तो नहीं दिखा ना। कई बार आपको ऐसा करने से जीत मिलेगी, कई बार नहीं मिलेगी, कई बार परफॉर्मेंस आएगी, कई बार नहीं आएगी, लेकिन आप कोशिश तो करो भाई, लड़कर हारो ना, अगर हारना ही है तो लड़ो तो सही कम से कम। और भाई देखो हथियारी डाल दिए, ये बिल्कुल आपका देख करके आप 2022 आपका सेमीफाइनल की तरह हुआ भैया, बिल्कुल ही। जब सेमीफाइनल में बटलर और आपके एल्स बजाने लग गए, आपको आपके पास कोई प्लान नहीं था वहां पर, आज भी आपका प्लान तो भाई मैं, और वहां पर आप हारे तुमने बैटिंग के फेलियर की वजह से। ये मत बोलो कि यार वो WTC तो नहीं, ये ट्रॉफी तो नहीं आई, वो ट्रॉफी तो नहीं आई, वो नहीं आई, भाई उसने आपको ऐसे कर मैचेस निकाल कर भी तो दिए हैं, उसके एग्रेशन ने आपके लिए मैचेस बनाए भी तो हैं, तो वो चीज भी तो देखो थोड़ा सा, यार सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट ही देखते रहोगे। और सबसे बड़ी बात है उस वो आगे बढ़ा और उसने अपनी टीम को चेयर अप करा, अगर उस टीम ने 40 ओवर भी फाइट दिखाई तो लड़े ना वो पूरी ताकत के साथ कि भाई लेट्स यूनाइट और लेट्स फाइट,